चैप्टर हम लोग का निकाल लिया। चैप्टर हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके? उस दिन कितना चैप्टर पढ़े थे बताइए? लास्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे? 14। तो आज हम लोग 15 पढ़ेंगे। आज हम लोग 15 पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए देखो, देखिए 15 चैप्टर में है क्या आप लोगों के, जो आप लोग जानते हो, ठीक है? आप लोग जानते हो पहले से ही। इसमें है कि पशु पक्षी के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है कि क्या होते हैं हमारे, ठीक है? पशु पक्षी, हाँ पशु पक्षी जगत के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। हाँ तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। पहला है आप लोगों के पालतू जानवर होते हैं। कितने टाइप के होते हैं जानवर बताइए, किस बता सकते हैं? यस मैम, पपी एक पालतू जानवर होते हैं और एक जंगली। एक मिनट, हम टाइप पूछ रहे हैं बेटा, पहले सुन लीजिए। हम टाइप पूछ रहे हैं कि जानवर कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक होता है आप लोगों का पालतू जानवर और एक होता है जंगली जानवर, ठीक? यही दो होते हैं ना। पालतू जानवर वो होते जिन्हें हम पाल सकते हैं। पालतू का क्या मतलब होता है? जो होते हैं हमारे दो तरीके से, एक होता है पालतू जानवर और एक क्या होता है? जंगली जानवर। जंगली जानवर, ठीक है? ये क्या होते हैं? जो फर्स्ट होता है पालतू, जिन्हें हम पाल सकते हैं, ठीक है, अपने पास रख सकते हैं, उनका देखभाल कर सकते हैं। और जो जंगली होते हैं उन्हें हम पाल नहीं सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा दोनों में अंतर क्या है बच्चों? अभी का वीडियो ऑफ कीजिए बेटा ना, बताइए फर्स्ट भी दोनों में अंतर क्या है, पालतू और जंगली में क्या अंतर है बताओ? बताओ बच्चों, क्या अंतर है दोनों में? पालतू जो जानवर होते हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं, और जो जंगली होते हैं जिन्हें हम नहीं पाल सकते। तो जैसे पाल के बताइए क्या क्या हो सकते हैं, जिनसे हमारा काम भी होता है। जो पालतू जानवर होते हैं उनको देखो, कभी कभी वो हमारे लिए क्या होती है, देखभाल के काम भी आते हैं, ठीक है? तो बताइए कुछ ऐसे ही नाम बताइए पालतू जानवर के, क्या हो सकते हैं? बकरी मैम, जैसे कि गाय, बकरी, गाय, बकरी, और क्या हो सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? बिल्ली। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें यही बताया जा रहा है, जो ये सब जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, तो ये सब जानवर से हम क्या करते हैं, इनको हम पाल सकते हैं। देखिए हम पालते भी हैं तो उनका भी अलग ही कुछ ना कुछ फायदा होता है। जैसे अगर हमने जैसे गाय को पाला, ठीक, हमने गाय पाली, उससे हमें क्या मिलता है? दूध, दूध, ठीक, दूध मिलता है। तो क्या होता है कि हम इस वजह से भी जानवरों को पालते हैं, जिनसे हमारा काम भी हो जाए और हम उनको पाल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही जानवर होते हैं, जैसे बकरी से भी हमें दूध मिलता है। कुत्ता क्या करता है बताइए? जो डॉगी होता है वो क्या करता है? हम लोग के घर का रखवाला बनता है। वेरी गुड, वो हम लोग के घर का रखवाला होता है, ठीक है? घोड़ा है, उससे हम लोग घोड़ा से मतलब सवारी भी करते हैं, ठीक है? गधा भी होता है, जैसे हम पाल वो उससे हम बोझ होते हैं, ठीक है? बेटा तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पालतू जानवर है जिनको हम अपने पास रख सकते हैं। ये सब क्या ऐसे जानवर है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों पालतू जानवर कहलाते हैं बताओ? तुमको पता है क्यों पालतू जानवर कहलाते हैं? पालते हैं क्योंकि इनसे हमें कोई क्योंकि इनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता, ठीक? और जो जंगली जानवर होते वो क्या होते हैं? वो अपना जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं, वो अपने से हर चीजों को करते हैं, ठीक है? वो शिकार भी अपने से ही करते हैं, वो जंगली जानवर होते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का पालतू और जंगली जानवर, ठीक?
दो चीज समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। पालतू कंफ्यूज नहीं होगे ना, पालतू और जंगली जानवर में क्या अंतर है बताइए, कंफ्यूज हो गए नहीं ना? नो मैम। अब क्या होता है, इस पृथ्वी पर हम लोग किस पे रहते हैं ये बताइए, बताइए बोलिए आदित्य अभी कहाँ बताइए बोलिए, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में। घर में, घर, घर आपका कहाँ है? वेरी गुड अभिका, हम पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। हम जब पूछे कहाँ रहते हैं वो तो घर में, किस पर रहते हैं तब आंसर होगा पृथ्वी पर। हम लोग क्या है, हम लोग पृथ्वी पर अर्थ पर रहते हैं, ठीक है। अर्थ पे इस जैसे हम लोग हैं, हम रहते हैं, आप रहते हैं, आप लोग मम्मी पापा रहते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं, उसी तरह और भी जो लोग हैं, और लोग हैं पशु पक्षी, वो भी पृथ्वी पर भी रहते हैं, लेकिन उनका क्या है, हर तरीके से अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। जैसे तीन तरीके से लोग रहते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका जलचर, सेकंड है पशु पक्षी की बात कर रहे हैं, ठीक है, नभचर, और थर्ड होता है और तीसरे थलचर, हम बता रहे हैं, ठीक है। जलचर क्या होते हैं पता है? जलचर किसे कहा गया है? जो चूहा जो पानी पानी में जो जल के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, वो जल के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम जलचर कहते हैं। जलचर में जैसे कौन कौन से जानवर आएंगे बताओ? मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ, मेंढक, और क्या आते हैं, कछुआ, चूहा, मछली, मछली, मेंढक, मेंढक। जो ये कछुआ है, जो ये कछुआ है वो क्या करता है, जमीन पे भी रहता है, ठीक है। पृथ्वी नवचर क्या होता है, नवचर मतलब उड़ता है। नव मीन्स होता है आकाश, नव मीन्स क्या होता है, आसमान, आकाश, ठीक है। जो पक्षी, पक्षी जानवर तो उड़ेंगे नहीं, जानवर उड़ेंगे बताओ, जानवर उड़ते हैं कि पक्षी, तो नवचर में क्या आएंगे, सारे पक्षी आएंगे, जो पक्षी नव में उड़ते हैं। तो कौन कौन से पक्षी नभ में उड़ते हैं बताइए, चिड़िया, चिड़िया होती है, कौआ होता है, और भी आदि जानवर क्या होते हैं, जो आसमान में क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, चिड़िया, कौवा, कबूतर, और भी जानवर जो होते हैं वो जो आसमान में उड़ते हैं। थलचर क्या होता है, थलचर बताइए, जैसे कि जो जमीन पर होता क्या है, पहले पहले ये बताइए होता क्या है, हम ये पूछ रहे हैं थलचर होता क्या है, जमीन पर रहने वाले प्राणी, जो जमीन पर रहने वाले प्राणी, जो थल, देखो थल मीन्स क्या होता है, जमीन, ठीक, चर मीन्स जो लोग रहते हैं, ठीक है। तो थलचर का क्या मतलब हो गया, जमीन पे या पृथ्वी पर रहने, भूमि पर रहने वाले प्राणी। प्राणी के अंतर्गत क्या होगा, प्राणी के अंतर्गत सभी आएंगे, हम लोग भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, और भी लोग आएंगे। तो थलचर पे कौन कौन रहते हैं, मतलब जमीन पे कौन कौन रहते हैं, जानवर में बताइए, गाय, बकरी, गाय, भैंस, बकरी, गाय हो गई, बकरी हो गई, बिल्ली हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारे थलचर के प्राणी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें क्या पक्षी आएंगे, पक्षी आएंगे इस वाले में? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे ये बताइए, क्योंकि वो उड़ते हैं, क्योंकि वो उड़ते हैं, क्योंकि उनके पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उड़ते हैं, ठीक है।
तो ये सब क्या है, ये सब हमारे तीन तरीके से डिवाइड किया गया है जानवरों को, जानवर पक्षी, क्योंकि ये पशु पक्षी जगत है, उनके बारे में ही बात की जा रही है, बाकी और किसी के नहीं, मतलब पशु पक्षी के बारे में बात की जा रही है। नभचर, जलचर, नभचर और थलचर तीन तरीके से होते हैं। जलचर में जो जल में रहने वाले होते हैं, हो गया जैसे आपका मगरमच्छ, कछुआ, मछली, मेंढक, दरियाई घोड़ा भी आपका रहता है, ठीक है, जो केकड़ा एकड़ा है सब आपको पस है, सब ये जलचर के प्राणी, ठीक है। नभचर में जो आकाश में पक्षी होते हैं, जानवर तो उड़ेंगे नहीं, पक्षी उड़ेंगे, तो ये क्या है। अच्छा ये बताओ जानवर क्यों नहीं उड़ते हैं, बताइए प्रभात, आदित्य, क्योंकि उनके पंख नहीं, उनके पंख नहीं होते, तो ये नभ में उड़ते हैं, ठीक है। और ये थलचर में जो जमीन पे रहते हैं। तो इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को, इसमें एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ आपको जानने के लिए बताया गया कि इसमें है क्या, ठीक है। Yes, समझ में आ गया ये चैप्टर। Yes, और कुछ पूछना है इसमें? नो मैम, नो मैम, नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोगों से कहा जाए, आदित्य, अलिका, प्रभात, कि जैसे आप लोगों को कहा जाए कि जलचर, नभचर और थलचर तीन होते हैं, आप किसमें पसंद करोगे बताइए, आप जलचर में रहना पसंद करोगे कि नभचर में कि थलचर में? हाँ आदित्य, क्या आप बताइए? थलचर। आदित्य एक लोग बताइए, दो लोग, दोनों लोग साथ बोल रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। आदित्य पहले आप बताइए। धर धरचर, धरचर थल है बेटा, था था थल है, थल बोलो, थल थल थलचर, हाँ दा नहीं है बेटा, वो दा होता है, ठीक है, ये था लिखा है तो थलचर होगा, ठीक है। आप लोगों का जो उच्चारण है सही होना चाहिए, ठीक। गलत जानो, गलत शब्द जानोगे, गलत अक्षर जानोगे तो गलत बोलोगे भी, ठीक है। आप लोगों के अक्षर की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज है, तो यहाँ पे था लिखा है तो थलचर होगा ना, तो फिर आदित्य क्या होगा बताइए? थलचर। हाँ तो आप थलचर पे रहना पसंद करोगे? यस मैम। अच्छा थलचर पे क्या रहना पसंद करोगे, मान लीजिए आप आदित्य नहीं है, ठीक है, इस टाइम मान लीजिए आपको दिया गया, आप थलचर पे क्या रहना पसंद करेंगे, ऊंट रहना कि गाय कि बकरी कि बिल्ली, क्या पसंद करोगे? शेर, जिराफ, हाथी, इसमें से क्या पसंद करोगे बताओ? घोड़ा। घोड़ा क्यों, घोड़ा क्यों लिया आपने? क्योंकि वो तेज दौड़ता है, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है इसलिए। चलिए आदित्य ने बताया कि वो घोड़ा पसंद करेगा क्योंकि घोड़ा उसे तेज दौड़ता है, ठीक है। अविका, अविका सिंह, यस मैम, आप बताइए, आप बताओ बेटा, जलचर हलचर में क्या पसंद है? हाँ पहले ये बताओ इन तीन में कहाँ पे पसंद करोगी, पहले ये बताओ, जलचर में कि नभचर में कि थलचर में? तुम भी थलचर में? यस मैम। अच्छा क्या चीज उसमें क्या पसंद है तुम्हें बताइए, उसमें क्या पसंद? काऊ। क्यों, व्हाई? क्योंकि काऊ से हम लोगों को दूध मिलता है, बस इसी वजह से, और दूध जो होते वो है। अच्छा तो आप भैंस से भी तो दूध मिलता है हमें? यस मैम। तो फिर आप, अगर आपको सिर्फ, अगर आपका पॉइंट ये है कि हमें गाय से दूध मिलता है इसलिए हम गाय पसंद है, तो भैंस से दूध मिलता है वो क्यों नहीं पसंद है? उसका, उनका दूध भी तो पौष्टिक होता है, हेल्थी होता है, काऊ का दूध ज्यादा होता है।
काऊ का दूध ज्यादा होता है। और चलिए ठीक है, आपको ये बताने चलिए ठीक है। प्रभात, यस मैम, आप बताइए आपको क्या पसंद है। थलचर। थलचर मतलब तीनों बच्चों का है कि थलचर ही पसंद है, ठीक है ना, किसी को ना बचर पसंद है ना जलचर, ठीक। अच्छा थलचर में क्या पसंद है बताओ, थलचर पे क्या पसंद करोगे रहना? मैम लॉयन। लॉयन शेर, क्यों? क्योंकि वो जंगल का राजा है। वेरी गुड, जंगल का राजा है तो हमारा प्रभात भी जंगल का राजा ही कहलाएगा। चलिए अच्छी है, आपने जो अपनी सोच बताई सही बताई है। हर इंसान के अलग पसंद होती है, वो कहाँ रहना पसंद करता है, लेकिन जो ये तीन हैं, जो नभचर हैं, जलचर और थलचर हैं, इनकी भी क्वालिटी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जो थलचर पे रहते हैं वही प्राणी अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जो नभचर हैं उनकी अलग क्वालिटी, उनको अलग पसंद है, जान पानी में तैरना उनको पसंद है, पानी में रहना पसंद है, उनके लिए अलग उनका इम्पोर्टेंस बन जाती है, ठीक है। जो नभचर है वो पक्षी है, वो पूरे आकाश में उड़ते हैं, पूरे जगह का उनको देख पाते, हर जगह की चीजें देख पाते हैं ऊपर से, तो इनके लिए अलग इम्पोर्टेंस है इनकी। तो क्या होता है कि हर प्राणी जो जानवर होते हैं उनकी, ऐसा नहीं कि जो भल पे रहते हैं वही अच्छे जानवर कहलाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो नभते भी है वो भी सही है अपनी जगह पे, और जो जलचर में है वो भी सही है। तो ये बस हम ऐसे ही पूछे थे आप लोग से जानने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस इतनी चीज बताई गई है कि जलचर में कौन रहते हैं, थलचर में, नभचर में, इसलिए बताया गया है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जल में प्राणी रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कौन कौन से प्राणी रहते हैं, कौन कौन से पशु रहते हैं, ये चीज पता है। नभ में कौन रहते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है, और थल पे कौन रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए बस एक जीके का काम है, एक नॉलेज का काम किया है इसमें, इस चैप्टर का, कि ये बताया गया है कि आप लोगों के लिए ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है, बताइए। यस मैम। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम नेक्स्ट चैप्टर 16 वाला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। बोलो, ठीक है। अच्छा ये बताइए, लिटरेचर में कंप्लीट हो गया ना आप लोगों का, कि कोई चैप्टर बाकी है, बताओ? हाँ चलिए, जो बाकी रहेगा हम करा देंगे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास मैम।